वाली सिंदूर की डिब्बी है, ये मैं जगन्नाथपुरी गई थी तो वहाँ पर मुझे एक माता जी मिले और वो अपने घर मुझे लेकर गए थे। तो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने मुझे दी थी। उनके पति जो है बहुत साल पहले जब उनके छोटे छोटे बच्चे थे तभी वो नहीं रहे थे, तो तब से उनके पास ये सिंदूर की डिब्बी रखी ही थी और वो नहीं थे तो फिर उन्होंने उनकी याद में ऐसे रखा हुआ था उनको। और जब मैं वहाँ पर उनके घर गई, पता नहीं उन्हें मुझे देखकर ऐसा क्या लगा, क्यों लगा, तो वो बहुत हम जैसे अगर पैसे की बात करें तो, लेकिन दिल से तो वो बहुत अमीर थे, लेकिन रुपए पैसे की उनके घर बहुत कमी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या दूँ, मेरे घर पहली बार ये आए हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है बेटा तुम्हें। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने इतना अच्छा से हमें मतलब प्रेम दिया है, इतना अच्छा हमारा स्वागत किया है, हमें बहुत अच्छा लगा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये सिंदूर की डिब्बी है, उनका एक ही बेटा है और उनकी 3-4 बेटियाँ थी, तो उन्होंने कहा मेरे पास ये एक सिंदूर की डिब्बी है, इसको तुम ले जाओ। और ये जब मैं सिंदूर लगाती थी तभी मेरे पास रहती थी। आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी पुरानी डिब्बी है, और क्योंकि उन्होंने मुझे दी थी। और आज मुझे जगन्नाथपुरी गए हुए भी 5-6 साल होने को आ गए, शायद 5 साल तो हो गए होंगे, तब से ये मेरे पास है और मैं इसी में से सिंदूर लगाती हूँ। काफ़ी सिंदूर है इसके अंदर तो, और बहुत अच्छा सिंदूर है क्योंकि वो उनके ज़माने का, वो भी मेरी जो है मास की इससे भी बड़ी हैं, काफ़ी एज थी उनकी, तो उस समय का सिंदूर उनके पास था ये। और जब भी मैं ये सिंदूर लगाती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों पूछते भी हैं कि इतना अच्छा कलर है आपके सिंदूर का, तो मैंने कहा हाँ, पर मैं दिल में जानती हूँ कि मुझे कहाँ से ये मिला और जो है ये इतना अच्छा क्यों है। तो ये उनका प्रेम है जो उन्होंने मुझे अपनी सिंदूर की डिब्बी दी। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था मेरी बहू आएगी तब मैं उसको दूंगी, लेकिन उनकी ही बेटी मुझे उनके घर पे लेकर गई थी, वो मुझे जगन्नाथ मंदिर में मिली थी। तो उन्होंने कहा, वो मुझे फिर भाभी बोलने लगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तुम ही मेरी बड़ी बहू और पहली बहू हो, तो मैं अभी तुमको ये सिंदूर की डिब्बी दे रही हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये डिब्बी दी थी और मैं बहुत मतलब खुश हुई थी। बस इतना समझ लीजिए कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम किसी किसी के प्रेम को। अभी रसोई जो है वो पूरी फैली हुई पड़ी है, तो अभी तो पहले इसको साफ़ करेंगे यहाँ से और उसके बाद में काम करेंगे। ऐसी इसलिए पड़ी है क्योंकि मैं 3 दिन से रसोई में नहीं आई हूँ, लेकिन 3 दिन में तो इतना नहीं होता, इससे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कल नंदिनी ने ही पूरा समेट के रखा था और आज फिर से ये पूरा इकट्ठा हो गया है बर्तनों का जो है पहाड़ जैसा, तो अभी फिर से ये करना है। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, नहीं तो वो रेगुलर कर ही देती है, एग्ज़ाम के बीच बीच में वो थोड़ा बहुत काम भी करती है, फिर एग्ज़ाम पे असर पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी। तो बहुत भयंकर सर में दर्द हो रहा है, 3 दिन से ऐसा चल रहा है कि सर में दर्द है। परसों से स्टार्ट हुआ था, पूरा दिन सर में दर्द रहा परसों, और फिर उसके बाद में रात में भी नींद नहीं आई अच्छे से, क्योंकि इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। गर्मी बढ़ गई है ना, और मुझे गर्मी की वजह से भी सर में दर्द होने लगता है, लेकिन अभी पता नहीं है सर गर्मी की वजह से हो रहा है या फिर ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं बढ़ गया,
आज देखती हूँ, अगर ठीक नहीं लगता है और नहीं होता है कल तक, तो मैं बीपी चेक करवाने जाऊँगी, क्योंकि मेरा दो चीज़ों से ही सर में दर्द होता है। एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसकी वजह से, और दूसरा जो है गर्मी की वजह से होने लग जाता है, क्योंकि 5 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप रहती है और मैं 5 बजे जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए जिम, क्योंकि वही टाइम है मेरा जाने का, तो अभी चेंज भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो एक्सरसाइज करवाते हैं तो उस लड़की को बाद में फिर टाइम नहीं होता है, उससे पहले भी वो किसी और को एक्सरसाइज करवाती है और उसके बाद में भी किसी और को करवाती है। तो मेरा 5 बजे का टाइम ही फिक्स हुआ है, तो उसी टाइम पे मैं जाती हूँ, लेकिन 5 बजे भी इतनी धूप और इतनी गर्म हवा चल रही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद उसकी वजह से हो गया, क्योंकि मैं धूप में नहीं निकल सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है धूप में जाने से, और आँखों में जलन होती है, मतलब मुझसे धूप सहन ही नहीं होती है बहुत ज़्यादा, और यहाँ तो कितनी गर्मी है। खैर, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, आज तो नरसिंह चतुर्दशी भी है, आप सबको नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, जिस दिन कुछ होता है एकादशी या कुछ भगवान का विशेष दिन, उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो जाती है, पता नहीं क्यों। खैर, कोई बात नहीं, शरीर है तो ये सब समस्याएं तो रहेंगी। चलिए, अभी थोड़ी देर में आराम करूँगी और उसके बाद में देखते हैं कुछ उपवास के लिए बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं खाऊँगी तो और सर में दर्द बढ़ता जाएगा। कई बार मुझे एकादशी के दिन भूख की वजह से भी सर में दर्द होने लग जाता है, तो ऐसा भी होता है मुझे, तो अभी तक मैंने कुछ भी जो है खाया नहीं है। उठी भी लेट, क्योंकि बहुत भयंकर सर में दर्द हो रहा था, फिर रात को दवाई लेकर सोई, इसकी वजह से नींद भी बहुत आ रही थी। और अभी कितने बज गए हैं, 2:45 बज गए हैं, और कुछ भी नहीं खाया है अभी तक, भूख ही नहीं लग रही है, जी घबरा रहा है, पानी बस पी रही हूँ बहुत ज़्यादा, पर खा लूँगी कुछ तो, थोड़ा शायद मुझे लगता है अच्छा लगेगा। चलिए, थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी, अभी तो नहीं हिम्मत है मुझ में, सोच रही हूँ थोड़ी देर लेट जाऊँ, कुछ लगा लूँ सर पे उसके बाद में। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तबीयत तो ठीक नहीं हुई, सर का दर्द जैसा कि तैसा था, लेकिन भगवान को भोग भी लगाना था और सोचा कि कुछ खा लेंगे तो शायद थोड़ा सर में दर्द अच्छा लगेगा। कई बार भूख की वजह से भी होने लग जाता है ज़्यादा दर्द, वैसे तो 3 दिन से ये हो ही रहा था। तो यहाँ पे अभी मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ, और सामने जो घड़ी चल रही है वो गलत चल रही है, अभी 3:30 जितना टाइम हुआ होगा। तो मैं पहले साबूदाने खिचड़ी के लिए मूंगफली के दाने और करी पत्ता, हरी मिर्च, इनको भून लूँगी घी के अंदर, और ये साबूदाने पहले से ही मैंने भिगो कर रख दिए थे, तो ये अच्छी तरह से भीग गए हैं। बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि साबूदाने उपवास में खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, काफ़ी लोग मना करते हैं, तो मैं जहाँ तक जानती हूँ उपवास में साबूदाने लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा है डाउट और नहीं मन है आपका तो मत लीजिए। और ये जो है मूंगफली के दाने हमने भून के रखे थे, इन्हें ठंडा कर लिया था, और उसके बाद में हमने पल्स कर करके इनको क्रश कर लिया है, एकदम ऐसा पेस्ट जैसा नहीं बनाना है।
और खिचड़ी के लिए थोड़ा कढ़ाई में घी और जीरा डाल के ये साबूदाने जो भिगो के रखे थे पहले उन्हें डाल दिया है। मेरे साबूदाने जो हैं थोड़े ज़्यादा ड्राई हो गए थे तो मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया इनके अंदर ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो इनको अच्छे से एक बार हम मिला देंगे, अच्छी तरह से थोड़ा भून लेंगे इनको डाल के कढ़ाई के अंदर, और इसके बाद में जो हमने क्रश करके रखा था मसाला उसको इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं इस टाइम पर, मैं आलू नहीं डाल रही हूँ। और फराली नमक डाल देंगे, उपवास का नमक जो होता है वो, और फिर से इसे अच्छी तरह से चला देंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर ये खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है। बारीक कटे हुए हरे धनिया डाल दीजिए और बस हमारी खिचड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो अभी थाली परोस लेंगे और ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। और खिचड़ी बनाने के बाद में भगवान को भोग लगा दिया था मैंने, और फिर रात के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाने की हिम्मत थी तो मैंने कुछ और ज़्यादा नहीं किया, फिर दाल चावल ही बनाए थे। अगर आप चाहें तो भगवान के लिए आप और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन बना सकते हैं, क्योंकि ये नरसिंह चतुर्दशी है और भगवान को अच्छे पकवानों का भोग लगाना चाहिए हमें, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण नहीं बना सके। और यहाँ पर इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि देखिए आपको दिख रहा है कितना पसीना आ रहा है, और कुछ ना कुछ सॉरी मुझे रखना ही पड़ता है मुंह पहुंचने के लिए, तो इतना मतलब पसीना आता है कि तिलक भी नहीं टिकता, वो भी मिट जाता है 2-5 मिनट के अंदर अंदर। तो अभी तिलक लगाया था, कहीं भी पता नहीं है तिलक कहाँ है, और सर्दियों में पूरा दिन तिलक लगा रहता है, कई बार तो दूसरे दिन तक भी तिलक लगा रहता है, क्योंकि सर्दी में मैं ऐसे तिलक लगा रहता है इसलिए बार बार मुंह भी नहीं धोती हूँ कि तिलक लगा हुआ है लगा रहने दो, क्योंकि मुंह धोएंगे तो फिर वो निकल जाता है तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गर्मी में इतनी बार मुंह धोना पड़ता है। और अभी तो मैंने कोई मुंह भी नहीं धोया है, और देखिए तिलक भी छूट गया अभी से। गर्मी बहुत भयंकर गर्मी है, और अहमदाबाद की गर्मी से तो भगवान कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ। रसोई में जाने की बिल्कुल भी इच्छा तो नहीं हो रही है, क्योंकि पूरी रसोई ऐसे भट्टी बनी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे हम जो है आलू की तरह उबल जाएंगे इसके अंदर, और क्या करें, पर भगवान को भोग भी लगाना है, पेट पूजा भी करनी है। तो अभी मैं दाल छोंक रही हूँ यहाँ पर, तो आप घी तेल जो लेना चाहें ले लीजिए, वो दाल तो मैंने कितनी बार बताया कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो हींग जीरा और हरे जो है हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिया है, और सारे मसाले जो रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, और मेरी लाल मिर्च जो है इनके अंदर ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च होती है और तीखी वाली लाल मिर्च का चौथा हिस्सा ही होता है, क्योंकि मैं खुद पिसवाती हूँ इनको, तो मैं उस हिसाब से ही पिसवाती हूँ कि हमें ज़्यादा भगवान को तीखा भोग नहीं लगाना है। पानी डाल के और थोड़ा हम इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, और साथ ही साथ जो है रसोई का प्लेटफॉर्म भी साफ़ करते रहेंगे, चीज़ों को उठा उठा के रखते रहो तो क्या है यहाँ पर जो है ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होती है तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, और चीज़ें पड़ी रहती हैं तो समझ में नहीं आता कि इसको किधर रखें उठाकर और फिर यहाँ पर कैसे काम करें। तो हाथों हाथ चीज़ों को उठा उठा कर रख दो, एक सेकंड लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगती, और तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह से गल गए हैं, आप देख सकते हैं मैंने फोड़ दिए हैं अच्छे से, और दाल भी उबल के तैयार हो गई। आपको दाल का कलर थोड़ा अलग लग रहा होगा, तो ये देसी दाल है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, तो ये मेरी सिस्टर के यहाँ मिलती है तो मैं वहीं से मंगवा लेती हूँ। और छोंक दाल के अंदर डाल दिया है, अभी इसको हम जो है एक उबाल आने तक उबाल लेंगे, नमक भी डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको मिला देंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिल जाएं, और कसूरी मेथी डाल देंगे ऊपर से, अगर हरा धनिया है आपके पास तो वो डाल दीजिए। हमारी दाल तैयार हो चुकी है, ऐसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए दाल की। अभी हम ठाकुर जी की थाली लगा लेंगे, चावल मैंने पहले से
बना के रख लिए थे, और थोड़ा सा दाल के अंदर जो है भोग के लिए घी भी डाल देंगे तो भगवान को थोड़ा अच्छा लगेगा, और सभी के अंदर तुलसी जी के पान भी डालेंगे। तो आज के लिए तो मैंने इतना ही बस किया था, और इससे ज़्यादा मुझसे तो नहीं हो सका तो मैं नहीं कर पाई। और आप चाहें तो और भी अच्छे अच्छे पकवान भगवान को भोग लगा सकते हैं। इस बार नहीं लगाया है तो अगली बार लगाइए, उपवास रखिए, रात को उपवास खोल दीजिए, अन्न ग्रहण करके पूरे दिन आप जो है फल फ्रूट या उपवास की चीज़ें ले सकते हैं। तो चलिए अभी ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, और उसके बाद में जिसको जो प्रसाद ग्रहण करना होगा वो बाद में कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगता है कि इतने लोग हमें देख रहे हैं और इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। हरे कृष्णा हरि बोल।